सो हैलो एवरी वन वेलकम टू अभी पीडिया डी इंडिया इज नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम मैंने भी सनी भोसले और मैं आपको गाइड करूँगा टीच करूंगा क्वान्टिटी एप्टीट्यूड थ्रू आउट आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम क्लियर एंड हेयर वी विल टेल यू स्पेशली द टाइम मैनेजमेंट जिसकी बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह की क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन हमें करने चाहिए जैसा कि मैंने पहले बोलता डी आई बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर सेशन में एक ही एक या दो क्वेश्चन डी आई के मिनिमम आपके लिए ला सकूँ क्लियर क्योंकि डी आई में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से डी आई को ईजी वे में सॉल्व करना है या किस तरह के क्वेश्चन हमें करने चाहिए क्लियर तो थ्रू आउट एक से एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे टाइम की मैनेजमेंट को सीखेंगे स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे क्लियर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो चलिए एमसीक्यू हमारा सेशन नंबर फोर आज क्लियर चलिए सो हेयर वी हैव अ स्पेशल बैच आरबीआई ग्रेड भी 2024 की बात की जाए कंप्लीट आरबीआई कोर्स टू जीरो टू फोर फेज वन प्लस फेस टू कंप्लीट एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लियर तो काइंडली उसे ज्वाइन कीजिए और आरबीआई ग्रेड भी बनने का सर अपना सफर अपना शुरू कीजिए और बन आने वाले समय में क्लियर जल्दी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी ठीक है सो फिर उस समय अगर आप चाहेंगे कि हम तैयारी को शुरू कर लें उस टाइम आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहें तो वो शायद उस टाइम नहीं हो पाए अभी समय है अभी आप फ्लोलेस कर सकते हैं आप तैयारी क्लियर तो प्लीज शुरू कीजिए लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज हमेशा की तरह छोटे से क्वेश्चन से शुरू करेंगे और ऐसे से हर क्वेश्चन के साथ लेवल हम अपना बढ़ाते चले जाएंगे क्वेश्चन का क्लियर द क्वेश्चन इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू सिक्योर ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स टू पास ही क्या इंजीनियरिंग मार्क्स टू पास इसका मतलब दीज आर माई मिनिमम मार्क्सो मार्क्स दीज आर माई मैक्सिम मार्क्सौ परसेंट मार्क्स क्लियर अच्छा he gets 47 marks and failed by, इसका मतलब देखो ध्यान से समझिए ट्वेंटी फाइव परसेंट आर पासिंग मार्क्स इज गिवन टू मे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेवन मार्क्स एंड फेल्ड बाई फोर्टी मार्क्स इट ही गेट फोर्टी सेवन मार्क्स एंड फेल बाय

90 marks, you can say that. 90 marks. जो नंबर में मेरे पास, marks, में It's 25%. It means 25 मेरे पास? 90 है मार्क्स परसेंटेज में हाउ मच इट्स इट मीन 90। सो एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी 90 बाई ट्वेंटी मार्क्स सो 100। इज सेन्स 100 परसेंट इट्स हाउ मच 90 बाय ट्वेंटी चुके के चुके छत्तीस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्लियर कल को देखो कंपैरिजन किया जा सकता है अ पर्सन गेट इतने मार्क्स उसके इतने ज्यादा आए तो अगर मुझे एक परसेंट की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन पता चल गई सो आई कैन से दैट कि हाँ मेरे पास कुछ भी निकाल सकता हूं बस ये मुझे पता चलना चाहिए दिस रिलेशन में अगर फाइंड आउट हो गया सो आई कैन फाइंड आउट एनी आंसर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पी

दिस इक्वेशन नंबर इफ ऑफ द नंबर इज इक्रीज बाई टू यानी अब नंबर क्या होगा मेरे पास ए प्लस टू बी प्लस टू द न्यू प्रोडक्ट इज हाउ मच ग्रेटर देन ट्वाइस द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर इट मीन्स सबसे पहले इसका प्रोडक्ट करू यानी ए प्लस टू इन टू ऑफ बी प्लस टू यानी ए बी प्लस टू ए प्लस टू बी प्लस ऑफ ए बी प्लस टू ए प्लस टू बी प्लस फोर क्लियर वो कह रहे किससे कितना ज्यादा किससे टू ए प्लस बी मतलब बेसिकली इनका डिफरेंस मुझसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्लियर यानी ए बी प्लस टू ए प्लस टू बी प्लस फोर माइनस ऑफ टू आइस ऑफ ए प्लस ऑफ बी क्लियर यानी ए बी प्लस टू ए प्लस टू बी प्लस फोर माइनस ऑफ टू ए माइनस ऑफ टू बी क्लियर तो टू ए कैंसल टू बी कैंसल तो वी आर रिमेनिंग विथ ए बी प्लस फोर यानी ए बी कितना है मेरे पास पी पी प्लस फोर इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी क्लियर तो दैट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन काइंडली से नोट कीजिए फटाफट चलिए होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोट एंड स्टीम देखिए क्वेश्चन इज अ बोट टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू अ पॉइंट सी अच इज एट मिड वे बिटवीन ए एंड बी इफ द दिलॉसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन सील वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हाउ विल यू क्रैक दिस क्वेश्चन मतलब अप्रोच कैसे लगाएंगे वट विल यू डू दिस क्वेश्चन सॉरी वट विल यू डू इन दिस क्वेश्चन बेसिकली देखो मुझे सबसे पहले क्या दिया है लेटेस्ट्राडाइग्राम मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है क्लियर है <coughs> यहां पर डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं मैं ठीक है <coughs> मतलब इस डायरेक्शन में उसके बाद में यहां पर आया सी पे मिडवे बिटवीन मतलब सपोज करो मैंने बोला डी है, है ये डी है मतलब टू डी में गए और डी में वापस आया टोटल टाइम कितना लगा मुझे नाइनटीन आवर्स यानी टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम इज हाउ मच नाइनटीन आवर्स इतना बताइए ये क्लियर है कोई डाउट नहीं अब नेक्स्ट देखो जरा टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम कितना गए स्टूडेंट्स टू डी सो टू डी अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज टू नाइन अब आपको इस तरह के क्वेश्चन स्पीड ऑफ दोट मैंने स्पीड ऑफ दॉटर इज इकल टू नाइनटीन उससे क्या पूछ रहे हैं, मुझे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी दैट क्लियर चलिए तो टू डी अपॉन uh, मुझे क्या दिया प्लस फोर प्लस डी अपॉन फोर्टीन माइनस फोर इक्वल टू नाइनटीन यही निकाल लें बेसिकली सो टू डी अपॉन एटीन प्लस डी अपॉन टेन इक्वल टू नाइनटीन जल्दी से नोट कीजिए फिर मैं ये मिटाऊंगा फिर हम कर लेंगे जल्दी से नोट कर लो इसको <coughs> चलिए <coughs> चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज देखो ये कितना पता है डी ए पॉइंट नाइन प्लस डी ए पॉइंट टेन इक्वल टू नाइनटीन तो अगर मैं नाइनटी एल सीम लेता हूं तो ये कितना हुआ टेंटी प्लस 90 19. So, 19 D 90 19, तो D कितना कितना तो गया से? 90 किलोमीटर क्लियर बट ऑप्शन में कितना दिए वन एटी वन सिक्सटी वन फोर्टी वन ट्वेंटी बिकॉज मुझे डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का वो कितना है मेरे पास डी प्लस डी कितना टू डी तो टू डी की वैल्यू कितनी टू इंटू नाइनटी बीच इजिकल टू 180 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट दैट वाज अ वेरी 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 फाइन क्वेश्चन दैट वाज वेरी फाइन क्वेश्चन Kindly से कीजिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं चलिए नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है जल्दी से कर लीजिए इसको जरा क्वेश्चन इज ए बी सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज ऑल द थ्री शायद ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं चलो

चलिए देखो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस इज हाउ मच टेन डेज मैंने बोला कि मेरा टेन यूनिटी वर्क है लेट माय टोटल वर्क इज टेन यूनिट क्लियर तो यहां से मुझे क्या पता चला तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ़ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ इज इज वन यूनिट पर <laughs> वन यूनिट पर डे क्लियर इट मींस इन्होंने कितने दिन काम किया आफ्टर फोर डेज जब ए छोड़ के जाता है स्टूडेंट तो चार दिन इन्होंने मिलकर काम किया सो so, अगर बात करूं वन यूनिट पर डे का मतलब क्या है? वन डे वर्क किसका ए प्लस बी एक तो फोर डेज वर्क कितना हो गया फोर डेज वर्क फोर यूनिट हो गया यस yes. सो so, चार यूनिट काम हो गया so, सो रिमेनिंग वर्क कितना है टेन माइनस फोर इज़ टू सिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए छोड़ के जा चुका है ए लेफ्ट अब ये बचा हुआ छह काम किस तरीके स्टूडेंट्स बी एंड सी ने लिखते हैं यहां पे बी एंड सी डिड रिमेनिंग वर्क इन टेन डेज अब इसको जरा टैकल करें रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस ऑफ सी क्लियर सो रिमेनिंग वर्कमत सिक्स टेन इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशियंसी ऑफ सी तो स्टूडेंट यहां से मेरी एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना टेन बाय सिक्स बाय जीरो पॉइंट सिक्स क्लियर अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है वट क्वेश्चन इज आस्किंग टू मी कि ए कितने दिन में करेगा इसका मतलब तो मुझे क्या चाहिए वर्क टाइम ऑफ ए इंटू तो एफिशिएंसी ऑफ ए मतलब मुझे जब ए का काम बताना खेलेगा तो मुझे उसी की एफिशियंसी चाहिए और उसका क्या चाहिए मुझे टाइम चाहिए इज ए क्लियर तो वर्क कितना मेरे पास हम 10 यूनिट है टाइम ऑफ ए देखो यहां से मुझे एफिशियंसी चाहिए देखो स्टूडेंट्स यहां से मेरे पास एफिशियंसी है प्लस ए प्लस बी प्लस एफिशियसी ऑफ सीरीज कितनी है वन है बट अभी मैंने निकाला बी प्लस ए e कितना जीरो पॉइंट सिक्स तो डेफिनेट एफिशियंसी ऑफ ए जो आई हाँ नी मेरे पास वो कितनी आई जीरो पॉइंट फोर तो कितना आ गया जीरो पॉइंट फोर तो ये कितना होगा टेन अपॉन फोर पॉइंट एट आ गया टेन और ये कितना का टाइम ऑफ दो पाँच पाँच होना पाँच कितना होगा ऑप्शन नंबर है ट्वेंटी फाइव इज द राइट वन क्लियर तो दैट तो ऑज वेरी 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 इजी बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन था काइंडली से नोट कर लीजिए जल्दी नोट कीजिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे हमारे सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मैंने बोला ही था कि धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ये वही वाला क्वेश्चन है देखो <coughs> क्या दिए द न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग एट 75 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 15 सेकंड टू पास धनबाद प्लेटफॉर्म मतलब न्यू राजधानी एक्सप्रेस चल रही है 75 की स्पीड से किलोमीटर पर आवर की और धनबाद स्टेशन को 15 सेकंड में कवर कर जाती है नेक्स्ट इट टेक्स 9 सेकंड टू पास अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इज गोइंग फाइंड द लेंथ ऑफ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एंड द लेंथ ऑफ द धनबाद प्लेटफॉर्म सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ पूछ लिया मैक्सिमम जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है देखिए कंडीशन की बात करें <coughs> अगर मैं यहां से कंडीशन एक की बात करूं द न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग एट रणीगढ़ किलोमीटर पर आवर टेक्स 15 सेकंड टू पास धनबाद धनबाद प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म देखो मेरी बात सुनो ठीक है ये आ गई मेरी ट्रेन इसको जब मैंने क्रॉस किया तो लेंथ कितनी आई लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म टोटल लेंथ जो मेरे कवर करनी है पहले केस में यही आएगी तो डिस्टेंस कितना है मेरा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और वो कितना है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम यानी 75 इनटू 5 फाइव बाई ऑफ टाइम कितना है मेरे पास 15 सेकंड्स तो तीन पंजे पंद्रह तीन छके अट्ठारह तीन दो न छ पच्चीस तो सिक्स ट्वेंटी फाइव बाई टू मीटर यानी कितना होगा तीन सौ बारह पॉइंट पांच मीटर हो गया <coughs> कहने का मतलब क्या है दोनों की अगर मैं ट्रेन की राजधानी एक्सप्रेस की बात करूं और प्लेटफॉर्म की बात करूं इन दोनों का डिस्टेंस मिला के कितना होगा मेरे पास तीन सौ बारह पॉइंट पांच मीटर क्लियर देख लो तीन सौ बारह पॉइंट पांच केस आंसर होगा मेरा क्या हैं तो एक भी जैसे भी हो सकते ऑफ तो चेक कर लेते हैं इसको ठीक है चलो कंडीशन टू क्या जब ट्रेन जैसे ये है, ये ट्रेन आई ट्रेन ने इस पर्सन को पास किया क्लियर कितना टाइम लगा कितना टाइम लगा गोइंग फाइव किलोमीटर नाइन सेकेंड्स मतलब इस नाइन सेकेंड में ट्रेन ने जो कवर किया वो खुद की लेंथ की है कवर समझो इस बात को तो मेरे पास क्या है डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम क्लियर तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आएगी यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी कितने सेवेंटी फाइव माइनस ऑफ कितना फाइव किलोमीटर पर इन द सेम डायरेक्शन तो माइनस कर देंगे

ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 312 था तो तीन माइनस 175 क्या आएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज इक्वल टू 137.5 आएगा ऐड करके देख लो जरा पॉइंट पाँच गया सात पाँच बारह दो एक सात तीन दस ग्यारह एक बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है इस द राइट सर क्लियर तो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे चलिए स्टूडेंट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे बहुत अच्छा क्वेश्चन है इजी है इन कोलकाता कोलका ऑफ थ्री लोकैलिटीज सॉल्ट लेक साउथ कोलकाता एंड राजघाट द पॉपुलेशन ऑफ थ्री लोकैलिटीज साल्ट लेक साउथ कोलकाता एंड राजघाट सॉल्ट लेक साउथ कोलकाता एंड राजघाट राजा राट है या तो मिस है या मैंने गलत पढ़ लिया चलो कोई बात नहीं ठीक है क्लियर अच्छा अब क्या दिया नाइन एट थ्री नाइन रेशो एट रेशो थ्री यानी इसके लो 90 ले लूं एट्टी ले लूं थर्टी ले लूं चलेगा बिल्कुल चल सकता है क्यों नहीं चल सकता क्लियर अच्छा इसमें क्या देखो कुछ लिटरेट है कुछ इलिटरेट है, है कुछ लिटरेट है कुछ लिटरेट है कुछ लिटरेट हैं कुछ इलिटरेट हैं क्लियर वो पहला क्या कह रहे हैं? इन शॉर्ट 80% पीपल आर लिटरेट यानी 80% है इसका कितना 72 तो 18 इलिटरेट हुए 72 18 नब्बे चलिए नेक्स्ट 80% पीपल लिटरेट इन साउथ कोलकाता 30% पीपल आर इलिटरेट यहाँ पे 30% यानी 24 तो इसका 70% कितना हुआ 756 क्लियर कैलकुलेशन हैज़ टू बी क्लियर कैलकुलेशन बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए अदरवाइज क्वेश्चन हो गई नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा अच्छा इफ 90% पीपल इन uh, राजारत आर राहत राजा राहत और इलिटरेट ऑलिटरेट सॉरी इसमें 90% लिटरेट है तो कितना होगा 27 और ये कितना बचा 3 चलिए अब क्वेश्चन में अल्टीमेटली मुझसे क्या पूछा जा रहा है देखिए सर फाइन द परसेंटेज लिटरेसी इन दिस थ्री लोकेलिटीज तो लिटरेसी कितना है टू प्लस फिफ्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी सेवन सात पाँच बारह दो चौदह एक सौ चालीस प्लस छः सात तेरह दो पंद्रह तो कितना हो गया वन फिफ्टी फाइव एंड टोटल कितना है नौ आठ सत्रह तीन तीस दो सौ इन ऑफ हंड्रेड परसेंट तो कितना आ गया वन फिफ्टी फाइव बाई टू सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन नंबर है इस करेक्ट वन क्लियर दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन नोट कीजिए लेट अस मूव टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द क्लास चलिए होपफुली क्लियर होगा आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आएगा पाई चार्ट डीआई बेस्ड क्वेश्चन देखो दिया गया स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बी साइड पाई चार्ट गिवन बिलो लोक शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल फैकल्टीज इन सिक्स डिफरेंट स्कूल ये क्या दिया वो मुझे कि अगर टोटल सौ परसेंट है ना मेल तो दस परसेंट ए में है बीस परसेंट बी में है e में कितना 24% e में कितना 16% e में कितना 12% और f में कितना 18% क्लियर और ये टोटल जो मुझे नंबर दिया गया ना स्टूडेंट्स को कितना 8400 उसने बोला कि टोटल जो है 8400 है क्लियर यानी 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8400 तो एक परसेंट की वैल्यू कितनी है 84 रेस्पेक्टिवली a b c d e f ये जो हमें दिया होगा वो निकाल लेंगे अननेसेसरीली मैं सबको फाइंड आउट नहीं करूंगा पहले ध्यान रखिए जो चीज मुझसे पूछी गई मैं उसी को फाइंड आउट करूंगा अननेसेसरीली मुझे कोई भी डाटा फाइंड आउट नहीं करना है ये सबसे स्पेशल बात आपने याद रखनी है क्लियर अच्छा अब देखो जरा इन द रेश्यो ऑफ मेल टू फीमेल देखो मेल टू फीमेल किसकी बात कर रहा है एक ही कितने 2:5 और बी की बात करूं मेल टू फीमेल तो कितनी है फोर रेशो ये दिया मुझे अच्छा क्या कह रहे हैं वट इज द डिफरेंस देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल फीमेल फैकल्टीज इन ए टू बी मतलब फीमेल का बेसिकली मुझे रेशो बताना डिफरेंस का मतलब क्या हुआ सॉरी oh, रेशो का मतलब क्या हुआ रेशो नहीं सॉरी डिफरेंस बताना मुझे नॉट रेशो रेशो क्यों याद आ रहा है रेशो तो दिया हुआ चलो अब देखें जरा देखो मुझे क्या दिया ए में अगर मैं टोटल मेल्स की बात करूं टेन परसेंट ए का टोटल कितना है मेरे पास एट फोर्टी यानी एक ही बात करूं ए में कितने है टोटल 840 कितने गुना चार गुना सिंपल क्वेश्चन को मैं जितना सिंपल लेके चलूंगा क्वेश्चन उतना सिंपल है जितना आप इसे मोटरेट करने की कोशिश करोगे वो तो फिर जितना मर्जी कर लो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है अगर मैं बात करूं दो के वाले आठ सौ चालीस एक चार सौ बीस तो पांच वाले के वाले कितनी पांच सौ के बीस ट्वेंटी वन हंड्रेड यानी मेरे पास ए में जो फीमेल्स है कितनी आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन उठाया कहां से मैंने ये मुझे पाई चार्ट दे रखा और इस पाई चार्ट में क्या है मेरे को दिए हुए हैं स्टूडेंट मेल स्टूडेंट कह रहे हैं मेल दिए हुए हैं ठीक है थीके? ए में टेन परसेंट तो एक ही जो वैल्यू पूछे तो एट्टी फोर हंड्रेड का टेन परसेंट एट फोर्टी और रेशियो कितने की दो अगर मेल है तो पांच फीमेल है इसका मतलब दो की वैल्यू कितने की मैंने मुझे आठ सौ चालीस तो पांच की वैल्यू निकाल ली मैंने इसी तरीके से भी मैं देखो बी कितने ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट का मतलब क्या हुआ सोलह सौ अस्सी यानी चार की वैल्यू कितनी दी है सोलह सो अस्सी इन टू फोर ट्वेंटी चार की वैल्यू अगर सोलह सो अस्सी एक की वैल्यू सोलह सो अस्सी बटे चार कितना चार सौ बीस क्लियर तो इसको भी चार सौ बीस से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया वन टू सिक्स जीरो क्लियर दोबारा देख लो बी वाला दोबारा समझा रहा हूं बी का टोटल कितना दिया था मुझे ट्वेंटी परसेंट इसका मतलब मुझे क्या दिया है कि चार की वैल्यू कितनी पता चलेगी यहां से एट्टी फोर हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट कितना सोलह सो अस्सी डीआई पे थोड़ा ठीक थो ठाक की को, नहीं। क्योंकि यही नहीं पता चलता कि इसको कैसे मुझे मॉडरेट करना है तीन तो की वैल्यू तो कितनी बारह सो अब मुझे कुछ नहीं करना खत्म बात मुझे अब कुछ नहीं करना मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स इक्कीस ऑफ बारह सो साठ सो में से साठ गए चालीस दो हजार में से बारह सौ गए आठ सौ चालीस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वेरी गुड क्वेश्चन क्लियर तो काफी मिला जुला अच्छा क्वेश्चन था ये दैट वॉज नॉट सो ब्रिलियड क्वेश्चन नॉट सो बैड क्वेश्चन दैट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन क्लियर बट अब आपको अच्छा लगना चाहिए क्वेश्चन प्लीज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं अभी भी आदूँ अभी भी वही बोलूंगा उसे बात वे डिगू कि नोटिफिकेशन की वेट करना कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम है आपको पता आनी आनी और जल्दी आएगी ठीक है मुझसे ज्यादा खोज भी नहीं तो अभी तक आप लोगों ने कर ली होगी कि कब आने वाली है ठीक है सो आपको पता है जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाली है तो वेट मत करो तैयारी में लगो जब आपको पता है कि वो काम होना ही होना है आपको पता है एग्जाम आपका आना ही आना है जल्दी से तो वेट मत कीजिए तैयारी शुरू करो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियर कंप्लीट आरबीआई ग्रेड बी कोर्स 2024 फेस वन प्लस फेस टू कंप्लीट लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वी आर नंबर वन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू स्टूडेंट्स